अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फरूक फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क। आज आपको मैं कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा जो कि बहुत ही अहम है सोसाइटीज़ के हवाले से। अपडेट वो ये है कि बहरिया टाउन में आज ही जो है रिंग रोड के हवाले से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई हैं। गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह डिमोलिश की हैं काफ़ी, और जो रिंग रोड का जो पूरा पाथ था उसको उन्होंने क्लियर आउट कर दिया है आज। तो आज ये एक मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी अहम खबर है उन इन्वेस्टर्स के लिए और जो ऑनर्स हैं यहाँ पे रहते हैं और साथ में जिनके प्लॉट्स हैं यहाँ पे इस बहरिया टाउन के अंदर, उनके लिए ये चीज़ एक एज पे आ जाती है कि रिंग रोड गुजरने की वजह से इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पे प्राइसेस में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही वहाँ पे अपडेशंस मज़ीद चलेंगी तो इंशाल्लाह उसमें आपको एक रेज़अप ज़रूर नज़र आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रिंग रोड एक वाइड अप्रोच थी जो ऑल ओवर पूरे लाहौर में जो है राउंड सर्कल की तरह है, और आपको अप्रोचेज़ की वजह से इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। और इसके साथ साथ सराउंडिंग में आपको ये बता दूँ कि रिंग रोड जहाँ जहाँ से भी फ़िलहाल गुजर रही है वहाँ पे हर जगह पे सोसाइटीज़ की जो है रेट्स अप हुए हैं, और होपफुली उम्मीद है कि जब यहाँ से भी गुजरती है बहरिया टाउन के अंदर से भी, तो बहरिया टाउन और उसकी सराउंडिंग्स में जैसे न्यू लाहौर सिटी है, NFC 2 है, ये इनमें रेज़अप लाजमी होंगे प्लॉट्स के। क्योंकि इसका जो इंटरचेंज है वो मुल्तान रोड के ऊपर बनना है, जो मेरे ख्याल से मैक्सिमम अगर आप कनाल रोड से रिंग रोड और बहरिया टाउन का और न्यू लाहौर सिटी का वाया डिस्टेंस निकालें तो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बनता। इसके अलावा एक और अपडेट आपको साथ में ये देना चाहूँगा कि शकाम चौक जो था वहाँ पे ट्रैफिक की काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ की वजह से जो है अभी वहाँ पे पास कर दिया गया है कि वहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी खबर है उन सब लोगों के लिए जिनको काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं वहाँ पे शकाम चौक पे इतनी देर ट्रैफिक जाम होने की वजह से। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा कि यहाँ पे जितनी भी प्राइसेस हैं उनमें ज़रूर चेंजिंग आएगी, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको यहाँ पे इश्यूज होते थे ट्रैफिक की वजह से, वो यहाँ पे प्लॉट बाय नहीं कर पाते थे, सिर्फ मेन एक यही इशू उस टाइम फेस होता था, लेकिन इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ ये सबसे बड़ी खबर है कि रिंग रोड का जो आज से स्टार्ट हो गया काम, होपफुली मैक्सिमम ये 1 साल के अंदर अंदर ये इसको कम्प्लीट कर देंगे, लेकिन जिन लोगों को शायद अगर ये नॉलेज नहीं है वो बिल्कुल अपने प्लॉट्स की अपडेट्स भी ले सकते हैं और बहरिया की तरफ से, और हमसे भी लेना चाहें तो बिल्कुल हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि रिंग रोड में अगर उनके प्लॉट से कोई इंफेक्शन तो नहीं हुई। इसके अलावा आपसे ये सजेशन ज़रूर दूंगा कि अगर आप फर्दर सराउंडिंग जो रिंग रोड की सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसका ज़्यादा डिले ना करें, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि शायद प्राइसेस कुछ 1-2 महीने में अप हो। थैंक यू सो मच। बाकी मेरा जो नंबर है ये व्हाट्सएप और आईमो दोनों पे एक्टिव है 24/7, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।